हेलो दोस्तों, मैं संजय आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर वाटर पंप्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पहले हम अपने खेत की सिंचाई के लिए पुराने इंजन वाटर पंप सेट का प्रयोग करते थे और आज भी यह प्रचलन में है। दोस्तों, इस मशीन की कीमत ज़्यादा तो होती ही है, साथ में इसका फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, जिससे किसानों को ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है। दोस्तों, इंजन वाटर पंप सेट को खरीदना हर किसान भाई के लिए संभव नहीं है। ऐसे में अगर कोई किसान भाई एक एकड़ की खेती की सिंचाई के लिए इंजन वाटर पंप सेट को भाड़े पर लेते हैं तो उससे उनका 800 से 1000 रुपया ईंधन और बाकी खर्च को मिलाकर बैठ जाता है। ऐसे में अगर वो 2 से 3 बार खेत की सिंचाई करें तो उनका लगभग टोटल खर्च 2200 से 2500 रुपया बैठ जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारी सलाह मानें तो आप इस वाटर पंप का प्रयोग कर सकते हैं। इस वाटर पंप का प्रयोग करके आप 60 से 70% खर्च की कटौती कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 अलग अलग एग्रीकल्चर वाटर पंप। दोस्तों, इससे पहले हमने एक और वाटर पंप का वीडियो बनाया है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा वाटर पंप आपके लिए बेहतर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास 3 अलग अलग एग्रीकल्चर वाटर पंप रखे हुए हैं। पहला जो आप देख रहे हैं, ये 3 इंच का वाटर पंप है और यह है 2 इंच का वाटर पंप। ये दोनों वाटर पंप 6.5 HP की है और ये जो देख रहे हैं, ये 1 इंच का वाटर पंप है जो कि 2 HP की है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस 3 इंच वाटर पंप के बारे में। जैसा कि देख सकते हैं आप दोस्तों, ये मशीन का ऑन ऑफ स्विच है। अगर हम इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो ये जो देख रहे हैं, ये इसका पेट्रोल चैम्बर है जिसकी कैपेसिटी 100 ml है और ये है इसका केरोसिन चैम्बर जिसकी कैपेसिटी 3 लीटर है। ये जो देख रहे हैं, इसको रेगुलेटर बोलते हैं। अगर आप जब मशीन चालू करें, इसको हमेशा ऊपर रखें ताकि पेट्रोल का फ्लो चालू हो जाए। अब मशीन को स्टार्ट कर लें। मशीन जब रन पे रहेगी तो आप इस रेगुलेटर को नीचे कर दें ताकि केरोसिन की सहायता से मशीन चालू रहे। अब इसको जब आप मशीन बंद करेंगे तो इसको ऑफ मोड पर कर दें ताकि दोनों का फ्लो बंद हो जाए। और ये है स्पीड फ्लो कंट्रोलर। दोस्तों, कभी कभी क्या होती है, ओवरफ्लो के कारण मशीन जो कभी कभी चालू नहीं होती है, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको नोजल बोलते हैं, तो इसे लूज करके आप ओवरफ्लो को कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके डिलीवरी और सक्शन पोर्ट साइज के बारे में बात करें तो दोनों 3 इंच की होती है। दोस्तों, इसकी सक्शन कैपेसिटी 20 से 25 फीट तक होती है, जिसका मतलब है आप 20 से 25 फीट तक पानी को खींच सकते हैं और इसका डिलीवरी फ्लो बिना पाइप फिट किए 5 फीट तक होता है। इसकी टोटल आउटपुट कैपेसिटी 48,000 लीटर पर आवर होती है। अगर हम इसके ऑयल कंजम्पशन के बारे में बात करें तो यह मशीन 1 घंटे में 1 लीटर ईंधन की खपत करती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस 2 इंच वाटर पंप के बारे में। जैसा कि हमने आपको 3 इंच वाटर पंप के बारे में बताया, इसका फ्यूल टैंक से लेकर मशीन को स्टार्ट करने की प्रक्रिया एक ही है। बस इसमें डिफरेंस यही है कि इसका जो डिलीवरी और सक्शन पोर्ट साइज है, इसका 2 इंच होता है। इसकी सक्शन कैपेसिटी लगभग 20 फीट तक होती है, मतलब 20 फीट तक आप पानी खींच सकते हैं। और इसका डिलीवरी फ्लो जो होता है बिना पाइप लगाए 6 से 7 फीट तक होती है। इसकी आउटपुट कैपेसिटी 28,000 लीटर पर आवर होती है। दोस्तों, अगर हम इसके ऑयल कंजम्पशन के बारे में बात करें तो यह मशीन 1 घंटे में 900 ml ईंधन की खपत करती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस 1 इंच पेट्रोल वाटर पंप के बारे में, जिसकी टैंक कैपेसिटी 1.2 लीटर होती है। जब आप मशीन को स्टार्ट करें तो इस चौक को ऊपर ही रखें और मशीन को चालू कर लें। जैसे ही मशीन चालू हो जाएगी, आप इस चौक को नीचे कर दें। ये जो देख रहे हैं, ये स्पीड कंट्रोलर है, आप इसे फ्लो कंट्रोलर बोल भी बोल सकते हैं। ये जो रेड कलर का देख रहे हैं, ये स्विच है। जब आपको मशीन बंद करनी हो तो आप इस स्विच को प्रेस करके मशीन बंद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सक्शन और डिलीवरी पोर्ट साइज के बारे में, जो कि 1 इंच की है। इसकी सक्शन कैपेसिटी 15 से 20 फीट तक होती है, मतलब 15 से 20 फीट तक आप पानी खींच सकते हैं। और इसका डिलीवरी जो फ्लो है बिना पाइप फिट किए 7 से 8 फीट तक होता है। इसकी आउटपुट कैपेसिटी 8,000 लीटर पर आवर होती है। दोस्तों, अगर हम इसके ऑयल कंजम्पशन के बारे में बात करें तो यह मशीन 1 घंटे में 700 ml ईंधन की खपत करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारी यह वीडियो पहुँचाएँ। धन्यवाद।